दोस्तों सोनी टीवी के सीरियल पुकार दिल से दिल तक के अपकमिंग एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, जानेंगे पूरा विस्तार से इस वीडियो में कि कैसे कोयल और वेदिका मिलकर सरस्वती की जान गुंडों से बचाएंगे। लेकिन लास्ट एपिसोड में क्या कुछ घटा उसका ओवरव्यू भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने देखा ही है कि वेदिका ने दयाल जी को वेल दिला दी है, जिसकी वजह से दिग्विजय और महेश्वरी जी दोनों ही परेशान हो रही है कि अगर दयाल जेल से बाहर आ गया तो सारे राज खुल जाएंगे कि गौतम का एक्सीडेंट हमने ही करवाया था और जिसकी वजह से हम दोनों जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। और अब तो पंडित जी ने भी साफ साफ क्लू दे दिया है कि त्रिवेणी तीनों साथ में आने वाली है, सरस्वती और सरस्वती की दोनों बेटियां, जिसके कारण महेश्वरी ने जो 20 साल पहले बोया था वो अब काटने का समय आ चुका है। मतलब महेश्वरी के सारे पापों का हिसाब अब जल्द ही होने वाला है। लेकिन देखना तो ये होगा क्या महेश्वरी उससे पहले ही सरस्वती और उसकी बेटियों को फिर से हमेशा के लिए जुदा कर देगी या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो सरस्वती अपनी बेटियों के साथ अपने पुराने घर में एंट्री ले चुकी है, जहां पर महेश्वरी ने सरस्वती और वेदिका को मरवाने के लिए गुंडे भी भेजे हुए हैं। लेकिन वेदिका और कोयल दोनों मिलकर सरस्वती को तो बचा लेगी और अपने आप को भी। लेकिन उसके बाद देखना तो ये होगा जब दयाल जी जेल से बाहर आएंगे, क्या वो सबके सामने वो सच उगल देंगे जो 20 साल से वो अपने सीने में दबाए हुए हैं कि दिग्विजय सिंह ने ही मुझे गौतम जी का एक्सीडेंट करने के लिए कहा था, या फिर दिग्विजय दयाल जी को पहले ही मरवा देगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।